हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप मेरे साथ बने हुए हैं बायो विद खुशी चैनल पे। तो आओ साथ मिलकर शुरू करते हैं अपने 11th क्लास के नए चैप्टर का लेक्चर 2। चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में फूड के बारे में बात की थी। तो सभी जीवों की बेसिक रिक्वायरमेंट एयर, वाटर एंड फूड होते हैं। सभी जीवों को अपने लाइफ में जीने के लिए, एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता होती है। साथ में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था कि डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को आप ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल वन में बनाना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी हर मॉलिक्यूल को उसी के एक्चुअल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए उस फूड को ब्रेक डाउन करके उसे ऐसा बनाया जाता है कि हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, उसे आसानी से यूटिलाइज कर पाए। तो आज हम बात करेंगे इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। तो बच्चों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करते हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ से एनस तक फैला होता है। एलिमेंट्री कैनाल जगह जगह पर अपने आप को मॉडिफाई करके हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बनाता है। जैसे हम बात करें तो माउथ से शुरू होता है, फिर ईसोफेगस आता है, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल अपने आप को मॉडिफाई करके स्टमक बनाता है, फिर आगे जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है। तो ये एक ही एलिमेंट्री कैनाल होती है जो जगह जगह पर मॉडिफाई होकर ऑर्गन्स का निर्माण करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत माउथ से होती है। माउथ दो लिप्स से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। हमारे माउथ के अंदर दांत पाए जाते हैं। ये दांत जो भी हम फूड खाते हैं उसको चबाने में हेल्प करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि आगे जाकर फूड का डाइजेशन आसानी से हो सके। हमारे माउथ में टंग पाई जाती है। ये टंग हमारे फूड को निगलने में हेल्प करती है। साथ में टंग हमारे फूड में सलाइवा को भी मिलाने का काम करती है। तो बच्चों, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। सलाइवा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो फूड में आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। साथ में सलाइवा फूड में मिलकर उसे स्लीपी बनाता है ताकि आसानी से फूड नीचे जा सके। तो फूड माउथ से होता हुआ फिर ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक जोड़ने का काम करता है। अब आगे फूड जाता है फिर स्टमक में। स्टमक हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है, ब्रॉडर पार्ट होता है। स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे तक रहता है। स्टमक के बाद फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट होता है जहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब फूड स्टूल बन चुका है या पीसेस बन चुका है, तो उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस समय सब्सटेंस या मटेरियल जो पीसेस बन चुका है वो गाढ़ा होना शुरू होता है। इसके बाद हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे एंड का पार्ट होता है रेक्टम, फिर एनस। तो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से फूड बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो बच्चों, हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो जगह जगह पर मॉडिफाई होकर ऑर्गन्स को बनाती है, लेकिन ये ही फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होता। हमारी बॉडी में अलग से कुछ ग्लैंड्स भी बनाई गई हैं
ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। ये ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होती, लेकिन इन्हें अलग से बनाकर एलिमेंट्री कैनाल से ही जोड़ दिया जाता है, ताकि ये अपने सिक्रीशन को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाल दें। इनके सिक्रीशन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे माउथ में पाई जाती है। सलाइवा हमारी फूड से बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। साथ में हमारी सलाइवा में एमाइलेज माल्टेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें लिवर और पैनक्रियाज अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डालते हैं। ये एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे अंदर तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली ट्यूब होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पाई जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल चार लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली होती है विसरल पेरिटोनियम, ये सबसे आउटर लेयर होती है। फिर आती है मस्क्यूलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा, और सबसे एंड में आती है म्यूकोसा। एक डायग्राम देखते हैं, तो इसमें आप चारों लेयर्स को देख पा रहे हो। सबसे आउटर है सिरोसा, फिर उससे अंदर वाली मस्क्यूलरिस, फिर उससे अंदर वाली सबम्यूकोसा, और सबसे इनर मेम्ब्रेन म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन भी जगह जगह पर अपने आप को मॉडिफाई करके नए नए स्ट्रक्चर्स को बनाती है। जैसे अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहाँ म्यूकोसा लेयर अपने आप को मॉडिफाई करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं, साथ में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को विलाई कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।